अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने बताया कि असद का शव लेने उनके नाना और मौसा जा सकते हैं। कोर्ट के आदेश के हिसाब से अतीक और अशरफ की कस्टडी के दौरान एक उचित दूरी पर विजय मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं अतीक और अशरफ के साथ किसी प्रकार का अमानवीय व्यवहार ना हो। इसके अलावा अतीक और अशरफ को जहाँ भी ले जाएंगे वहाँ भी विजय मिश्रा मौजूद रहेंगे। असद के जनाजे में उनके नाना उनके मौसा जो है जाएंगे बॉडी क्लेम करने झांसी, और उनके नाना और उनके मौसा ही रहेंगे, और जो बाकी रिश्तेदार हैं जो दूर के हैं वो आ सकते हैं उनके जनाजे में। तो कुछ पता चला है कि कब वो निकलेंगे या कब वो मूव करेंगे? जानकारी के हिसाब से तो ये है कि रात में उनके नाना और मौसा जाएंगे बॉडी लेने के लिए झांसी, और कल ही उनका जनाजा होगा। अच्छा, और देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।